Hello students, welcome to biology class. So as you all know that we have started a new chapter, that is human health and diseases. And इस chapter में हम लोगों ने दो session complete कर लिया है, that is session 1 and session 2. So आज का session है third session. तो इस session में हम लोग पढ़ने वाले हैं disease के बारे में. Disease it's classified into two types. तो disease के कितने types हैं, तो यहाँ पर disease के दो types हैं, आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं. एंड उसके बाद इन्फेक्शियस डिसीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग. सो लेट्स बिगेन विद दिस थर्ड सेशन. डिसीज़ तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिसीज़ के बारे में पढ़ा था. मैं आप लोगों को और एक बार रिपीट कर रही हूँ डिसीज़ का डेफिनेशन. तो डिसीज़ क्या है? एक कंडीशन है जिसमें एक से ज़्यादा ऑर्गन्स हमारे बॉडी के प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करते हैं, एंड वेरियस साइंस से कैरेक्टराइज्ड होते हैं, एंड सिम्टम्स भी क्या है, शो ऑफ होता है जब आप लोगों को बॉडी को फीवर अटैक होता है. तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिसीज़ बोल रहे हैं. तो ये हो गया डिसीज़ का डेफिनेशन. एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिसीज़ के कितने टाइप्स हैं. सो हियर डिसीज़ कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स डिसीजेस. फर्स्ट इज इन्फेक्शियस डिसीज एंड द सेकेंड इज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज. तो ये है दो टाइप्स. फर्स्ट है इन्फेक्शियस डिसीज है. तो हम लोग क्या करेंगे, अब इन्फेक्शियस डिसीज़ क्या होता है उसके बारे में देखेंगे. दीज आर द डिसीजेस विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एन हेल्दी पर्सन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फेक्शियस डिसीज़ क्या है, ये एक ऐसे डिसीज़ होता है जो ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को. तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन्फेक्शियस डिसीज़ बोल रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक पर्सन है, उस पर्सन को क्या है, कॉमन कोल्ड हो गया है, कोल्ड हो गया है, ही सफरिंग फ्रॉम कोल्ड. तो अब उस इंसान को कोल्ड हो गया है, वो क्या करता है, हेल्दी पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में आ गया, तो वो कोल्ड क्या होता है, ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड पर्सन से लेके हेल्दी पर्सन को. इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन्फेक्शियस डिसीज़ बोल रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग यहाँ पे क्या लिए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, कॉमन कोल्ड. ये हो गया इन्फेक्शियस डिसीज़ का डेफिनेशन. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस. Non infectious disease, and here the definition is, these are those diseases which are not transmitted from an infected person to a healthy person. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये non infectious disease क्या है, infectious disease के opposite ही है. तो non infectious disease में क्या हो रहा है, ये कुछ ऐसे disease होते हैं जो transmit नहीं होते हैं infected person से healthy person को. For example, cystic fibrosis. अब ये सिस्टिक फिब्रोसिस क्या है, ये एक लंग का डिसीज़ होता है जो क्या होता है, वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को अफेक्टेड नहीं होता. बिकॉज क्यों नहीं होता, वो क्या है, लंग इन्फेक्शन होता है. सो आप लोग, लंग इन्फेक्शन क्या है, वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ बोलते हैं. तो ये कुछ ऐसे डिसीज़ होते हैं जो ट्रांसमिट नहीं होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ बोलते हैं. तो ये हो गया नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ का डेफिनेशन. तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन्फेक्शियस डिसीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ के कुछ डिसीज़ है, उनमें कौन से डिसीज़ डिवाइड है बोल के हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे. सो लेट्स गो. एंड द नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस डिसीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ आर अगेन डिवाइडेड इंटू अकॉर्डिंग टू द डिसीज़. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्फेक्शियस डिसीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ जो है वो अगेन डिवाइड हो रहा है अकॉर्डिंग टू देर डिसीज़ के. अब हम लोग देखेंगे वो कौन से डिसीज़ में डिवाइड हो गया है. फर्स्ट हम लोग देखेंगे इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में. इन्फेक्शियस डिसीज़ हियर द फर्स्ट वन इज़ वायरल डिसीज़ कॉज्ड बाई वायरस. सेकेंड, बैक्टीरियल डिसीज़ कॉज्ड बाई बैक्टीरिया. थर्ड, प्रोटोजोअन डिसीज़ बाई प्रोटोजोअन. फंगल डिसीज़ बाई हेलमिंथ. एंड द लास्ट, हेलमिंथ डिसीज़ बाई फंगाई. तो इतने सारे इन्फेक्शियस डिसीज़ में डिवाइडेड है. तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़.
non-infectious diseases. And here the first one is deficiency diseases, and the second is degenerative disease, and the third one is allergies, and fourth is cancer, etc. तो ये हो गया नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में. जो है फर्स्ट है डिफिशेंसी डिसीज़, सेकेंड है डीजनरेटिव डिसीज़, थर्ड है एलर्जीज एंड फोर्थ है कैंसर एंड एक्सेट्रा. तो ये हो गए इन्फेक्शियस डिसीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ के कुछ टाइप्स. तो अब हम लोग देखेंगे इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में. सो लेट्स बिगेन विथ इन्फेक्शियस डिसीज़. इन्फेक्शियस डिसीज़, एंड हियर द फर्स्ट वन इज़ वायरल डिसीज़, जो कि कॉज्ड बाय वायरस. तो वायरल डिसीज़ क्या होता है? जो वायरल डिसीज़ जो होता है वो वायरस से कॉज होता है. यहाँ पे वायरस क्या होता है? इट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शियस एजेंट दैट रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये जो वायरस होता है वो क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन्फेक्शियस एजेंट है. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वायरस, जो कि हमारे बॉडी में जाके क्या होता है? इन्फेक्शन क्रिएट करता है. उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? इन्फेक्शियस एजेंट बोलते हैं. एंड वो क्या करता है? रेप्लिकेट करता है खुद को. रेप्लिकेट इज़ नथिंग बट रिप्रोड्यूस करता है खुद को इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इसके ज़रिए क्या होता है? हमारे बॉडी में कोल्ड इफेक्ट होता है. सब कुछ क्या है? वायरस के ज़रिए क्या होता है? कोल्ड इफेक्ट होता है. तो ये हो गया वायरल डिसीज़ के बारे में. तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल डिसीज़. एंड हियर बैक्टीरियल डिसीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. तो ये बैक्टीरियल डिसीज़ क्या है? जो कॉज होता है बैक्टीरिया से. अब बैक्टीरिया क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जर्म्स. तो क्या होता है बैक्टीरिया? क्या है बैक्टीरिया को और एक भी नाम दिया गया है जर्म्स बोल के. जर्म्स इज नथिंग बट कीटाणु. दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स नॉट विजिबल विद द नेकेड आई. तो ये क्या है? जर्म्स इज नथिंग बट कीटाणु. जो भी हम लोग अपने हाथों पे कीटाणु, वायरस, जर्म्स जो भी प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैक्टीरिया बोलते हैं. तो यह क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम लोग अपने आँखों से देख नहीं सकते. तो उनको क्या बोल रहे हैं हम लोग? बैक्टीरिया बोल रहे हैं. तो ये हो गया बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोटोजोअन डिसीज़ के बारे में. एंड हियर द नेक्स्ट इज प्रोटोजोअन डिसीजेस दैट इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन. प्रोटोजोअन क्या है? दीज आर पैरासाइटिक डिसीजेस. तो क्या है प्रोटोजोअन डिसीज़? क्या होता है ये? एक पैरासाइटिक डिसीज़ है जो कॉज होता है ऑर्गेनिज्म से. फॉर्मली क्लासिफाइड इन द किंगडम ऑफ प्रोटोजोआ. कौन से किंगडम में आते हैं? प्रोटोजोआ के किंगडम में आते हैं. तो ये क्या है? एक पैरासाइटिक डिसीज़ होता है जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से कॉज्ड होता है. तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रोटोजोअन डिसीजेस बोल रहे हैं. तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हेलमिंथ डिसीज़ के बारे में. एंड हियर द नेक्स्ट इज हेलमिंथ डिसीज़ विच इज़ कॉज्ड बाई फंगाई. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हेलमिंथ क्या है? एक वॉर्म इन्फेक्शन है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉर्म इन्फेक्शन. तो हेलमिंथ क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉर्म इन्फेक्शन. वॉर्म इज़ नथिंग बट एक एस्कैरिस. यू नो एवरीबडी नो व्हाट इज़ मीन बाय एस्कैरिस. जो एक वॉर्म से इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलमिंथ डिसीज़ बोलते हैं, जो कि फंगाई से कॉज होता है. तो ये हो गया हेलमिंथ डिसीज़. एंड लास्ट हम लोग देखेंगे फंगाई डिसीज़ के बारे में. एंड हियर द लास्ट वन इज़ फंगल डिसीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय हेलमिंथ. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फंगल डिसीज़ इज़ नथिंग बट अ फंगस दैट इन्वेड्स द टिश्यू कैन कॉज अ डिसीज़ दैट्स कन्फाइंड टू द स्किन. तो ये फंगल डिसीज़ हो या जो भी हो, फंगल डिसीज़ हो या फंगाई इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, तो वो किस पे कॉज होता है? स्पेशली स्किन पे कॉज होता है. वो क्या होता है वहाँ पे? स्किन पे कॉज होता है वो इन्फेक्शन. वो फंगल इन्फेक्शन किससे होता है? हेलमिंथ से होता है. हेलमिंथ इज़ नथिंग बट वॉर्म. ठीक है, एक कौन सा भी इंसेक्ट के ज़रिए क्या होता है वो स्किन के ऊपर क्या होता है? आपके फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं. बाय स्वेटिंग आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो वहाँ पे उस एरिया में अगर सपोज़ क्या है, उस एरिया में क्या है, स्वेटिंग ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? फंगल
इन्फेक्शन हो जाएगा स्वेटिंग की वजह से, बिकॉज़ वहाँ पे क्या है, वायरस या बैक्टीरिया क्या है, ग्रो हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है वहाँ पे, फंगाई इन्फेक्शन हो रहा है। वो किसके ऊपर हो रहा है, स्किन के ऊपर हो रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फंगाई इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन बोल रहे हैं, या उसको फंगल डिसीज़ भी बोल रहे हैं जो हेलमिंथ से कॉज हो रहा है। तो ये हो गया फंगल इन्फेक्शन या फंगल डिसीज़। सो ये था थर्ड सेशन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ चैप्टर का। तो इस सेशन में हम लोगों ने पढ़ा है डिसीज़ का डेफिनेशन, और एक बार मैंने रिपीट किया था, एंड उसके बाद डिसीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। डिसीज़ के दो टाइप्स देखे थे, फर्स्ट इज़ इन्फेक्शियस डिसीज़ एंड उसके बाद नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। एंड उसके बाद डिसीज़ अगेन, अब जो भी है, इन्फेक्शियस हो या नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ हो, वो अगेन डिवाइड हो गया है एक बहुत से डिसीज़ में। तो फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था उसमें वायरल डिसीज़, बैक्टीरियल, प्रोटोजोवन, फंगल, हेलमिन। एंड उसके बाद नॉन इन्फेक्शियस के तरफ आ गए, तो हम लोग किस के कितने टाइप्स देखे थे, चार टाइप्स देखे थे। फर्स्ट था डिफिशेंसी डिसीज़, डिजेनरेटिव डिसीज़, एलर्जीज, कैंसर एंड एक्सेट्रा। तो इस सेशन में आज हम लोग इतना करे थे, एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इन्फेक्शियस डिसीज़ जो है, वायरल डिसीज़, बैक्टीरियल, प्रोटोजोवन, उसके कुछ एग्जांपल्स लेके हम लोग वो वायरल डिसीज़ के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, और जितने भी है इन्फेक्शियस डिसीज़ के, जितने भी है इन्फेक्शियस डिसीज़ के टाइप्स, उसके बारे में पूरा थरोली पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, दैट इज़ इन नेक्स्ट क्लास। सो I hope you understood this session, that is third session. If you have any doubts regarding this topic, you can ask me without any hesitation. I'll help you with it. And don't forget to subscribe my channel, hit the like button, share, comments, and thank you so much.